हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं वो दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी। ये बेसिकली सेक्टर 9A में 24 मीटर रोड पे है। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, 2010 का है। फुल आपको रिनोवेट करके देंगे। ये तीनों फ्लोर बचा हुआ है इसमें। प्राइस के लिए प्लीज चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूंगा। ये इसका रैंप एरिया है, काफ़ी बड़े साइज का रैंप है कि गाड़ी की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी आपको इसमें, विदाउट लिफ्ट है और पार्किंग बाहर में मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशन की प्लॉट की फ्रेंड्स, तो ये 35x68 इसका डायमेंशन है। 35 फुट इसका फ्रंट हो गया और 68 फुट इसका लेंथ हो गया। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, तीन रूम बने हुए हैं। पुराना FAR से 66 स्क्वायर, ये आपका जो है 66% इसका कवरेज एरिया है एक प्लॉट साइज़ पे। और ये ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकेंड है, और इसमें सेकेंड जो है विथ रूफ राइट मिलेगा जो भी लेंगे। और प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना क्या है नहीं है। और ये प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग है, सामने पार्क है, ये आप देख सकते हो, ये सामने पार्क हो गई और ये वाली प्रॉपर्टी है। और इसका कैंपस एरिया हो गया, यहाँ पे स्टोरेज टैंक का, तीन स्टोरेज टैंक दिया गया है, सेपरेट है, एक है यहाँ पे, दो है और तीन है। ये इसका हो गया कैंपस एरिया, यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी आराम से, पाँच चार गाड़ी तो आपकी रैंप पर आ जाएगी इस तरफ, जो कि आप देख पा रहे होगे, और एक गाड़ी अंदर आ जाएगी। और ये इसका हो गया साइड व्यू बिल्डिंग का, एक अप्रोच यहाँ से भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, दो गेट दी गई, यहाँ पे भी बाइक उक लगा सकते हो, पॉट गमले सब डाल सकते हो। और ऊपर जाने के लिए स्टेयर केस यहाँ से दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होगे। गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं वो दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी। ये बेसिकली सेक्टर 9A में 263 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है, और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, और ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हो गया, और ये ना नॉर्थ फेसिंग है, वहाँ पे ग्लास लगी हुई, प्रॉपर लाइट आ रही जो कि आप देख पा रहे होगे, और फर्स्ट क्लास है। ये ओपन किचन दिया हुआ है, और अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, 15 से 20 दिन सारा काम करके दे देंगे आपको। फिटिंग सारे सेरा के सारे फिटिंग्स आएंगे, 2x4 के सारे टाइल्स लगे हुए, सारे सेरेमिक बैटरी फाइव टाइल्स लगी हुई, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें। और तीन कमरे हैं, लेआउट समझ लें आप कि ये नॉर्थ हो गया जो आप एंट्री करते हो, अगर वहाँ से एंट्री करोगे आप, टू साइड ओपन हो गया ये, तो वो वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। फर्स्ट बेडरूम है, अटैच वाशरूम है, दो कमरे पीछे की तरफ है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। मैंने दिखा दिया आपको कि ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, रोशनी भी प्रॉपर आ रही है, फर्स्ट क्लास है, किचन बना हुआ है इसमें, फॉसिंग काम हुआ हुआ है। और ये फर्स्ट बेडरूम थोड़ा सामान रखा हुआ है, प्लीज़ आप देख के एक समझे, एक आइडिया ले लें जस्ट एक। ये फर्स्ट बेडरूम हो गया, इससे अटैच ये वार्डरोब दी गई है इसमें, और इसमें वॉशरूम का प्रोविजन दिया हुआ है। फिटिंग जितने भी सारे सारा के सारे फिटिंग्स, इस तरफ वॉश मशीन है, इधर शावर हो गया, और सेंटर में जो ये कमोड है, और मेरे लेफ्ट में जो ये वॉश मशीन का एरिया हो गया, विंडो का प्रोविजन में दिया गया है, और वॉशरूम का साइज नीचे भी सेरेमिक बैटरी फाइव टाइप लग जाएगी। और इस तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे किचन का प्रोविजन दिया गया है फर्स्ट क्लास, और ये इसका हो गया फॉल सीलिंग, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है ये। अगर बात करें इसकी स्क्वायर फिट में फ्रेंड्स, तो ये 1500 स्क्वायर फिट कार्पेट एरिया है। और ये इसका सेकेंड बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम है ये, और साइज़ काफ़ी बड़ा है रूम का, चेकआउट दी साइज़, बहुत बड़ा साइज़ है ये, और इसमें भी सीलिंग का काम किया गया है, सारे में पॉलिश हो जाएगी। ये विंडो का प्रोविज़न दिया गया है, इसमें आपको टी पैनल का प्रोविज़न भी दिया गया है यहाँ पे, और वार्डरोब यहाँ दी गई है इस तरफ, इसका भी टाइल्स लगी हुई है इसमें, और ये इससे अटैच वॉशरूम है, टाइल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है देखने में ये। और ये शावर एरिया है, ये वॉश मशीन एरिया है, और यहाँ पर कमोड आएगी इस तरफ, और फिटिंग सारे सेरा के सारे फिटिंग्स आएंगे इसमें। ये सेकेंड बेडरूम हो गया, मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम। अगर मैं बात करूँ तीसरी बेडरूम की, ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, और यहाँ पे आपको पीछे बैक सीलिंग में भी कुछ डिज़ाइन क्राफ्टिंग की गई है, विंडो का प्रोविजन दिया गया है, इससे अटैच से वॉशरूम है। जस्ट एक आइडिया ले लें आप, जो मेरे सामने में है ये वॉश मशीन हो गया, और मेरे लेफ्ट में जो ये शावर एरिया हो गया, और वहाँ सेंटर में कमोड आएगा, और ये फिटिंग सारे सारा के रहेंगे। मूविंग ऑन टू द बैक साइड, बैक साइड दिखा देता हूँ मैं, क्या नहीं है ये आप देख सकते हैं, पीछे का स्पेस हो गया ये,
यहाँ भी प्रॉपर टाइल्स मार्बल लगी हुई है। सारे जितने भी आप देख सकते हैं आउटर के लिए प्रोविज़न वहाँ पे दिया हुआ है एसी के लिए, और सारे में विंडो में पॉलिश का काम हो जाएगा जो कि आप देख पा रहे होंगे। फ्लोरिंग प्रॉपर मार्बल लगी हुई है। प्राइस के लिए प्लीज़ चेकआउट द डिस्क्रिप्शन। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।